नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। श्रम, सेवा और रोजगार, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो यदि एक छत के नीचे लोगों को मिले तो कई जीवन संवारे जा सकते हैं। श्रम और रोजगार तो एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, पर उनमें सेवा भाव भी जुड़ जाए तो ये समाज के लिए एक अच्छी पहल होगी। और यही पहल अब अमलीजामा में आने जा रही है, जनपद गाजीपुर के बैपुर गांव में, जहां बाबा गंगा रामदास जी की तपोस्थली भी है। रेल व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने यहां सचितानंद सेवा संकुल का शिलान्यास किया। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस सेवा संकुल में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। पर इस सेवा संकुल की खास बात यह होगी कि इसमें कौशल विकास केंद्र के साथ ही बनवासी छात्रावास, गोपालन केंद्र, हस्तकला विकास केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही साथ इस परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। गाजीपुर में 450 से ज़्यादा बनवासी बस्तियां हैं, जिनके कल्याण के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। इनमें से एक संस्था ने बेरोजगारों, खासकर अनुसूचित जाति एवं बनवासी लोगों के कल्याण के लिए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के सहयोग से आज सेवा संकुल की आधारशिला रखी। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने बताया कि मैं उदयपुर गया था, जहां एक नौजवान ने इस तरह का एक केंद्र स्थापित किया हुआ है। वहां से आने के बाद मैंने यहां अपने कुछ लोगों से उसकी चर्चा की थी और उनको उदयपुर भेजा था। जिस तरह से पिछड़ी, खासकर दलित महिलाओं और नौजवानों को वहां रोजगार मिला हुआ है, तो ये विचार आया कि गाजीपुर में भी इस तरह का एक केंद्र बनाया जाए। और आज वो मूर्त रूप ले रहा है। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ की लागत से ये परिसर बनेगा और दुनिया की तकनीक की सबसे मानी जानी कंपनी एरिक्सन इस परिसर में अपना एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे और आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी यहां आएंगे। इस अवसर पर मनोज सिन्हा ने 2 हाईटेक एम्बुलेंस भी जनता को सौंपे। साथ ही इस बात की घोषणा भी की कि जनपद में मेडिकल कॉलेज सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है और केंद्र सरकार के पास उसका प्रस्ताव आ चुका है। अस्पताल है, सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है, लेकिन एक सचल अस्पताल से इतने बड़े जनपद का काम हो नहीं पा रहा था, तो और सचल अस्पताल आज से इस जनपद में प्रारंभ हो रहे हैं। व्यवस्था ऐसी बनाई है कि एक जो पहले से है वो जमानिया तहसील में ही रहेगा, वो इधर नहीं आएगा। उसमें एक डॉक्टर, एक पैथोलॉजिस्ट और एक फार्मेसिस्ट, ये 3 लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। ऑटो एनालाइजर, जिसमें सभी जांच आपकी हो सकती है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और पोर्टेबल एक्सरे मशीन उसमें रखी जाएगी। आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले 10 दिनों में वो भी उपलब्ध हो जाएगी। ये जो 2 सचल चिकित्सालय आपके सामने दिख रहे हैं, या मैं मेडिकल वैन कहूँ, एक इसमें से गाजीपुर सदर और सैदपुर क्षेत्र के लोगों के इलाज में लगेगी और दूसरी जो है जंगीपुर और जखनिया। मुझे लगता है कि ये 3 सचल अस्पताल स्वास्थ्य की दृष्टि से गाजीपुर के जरूरतमंद लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। मोटे तौर पर मुफ्त में दवा, और जैसा संजीव जी ने बताया कि अनेक लोगों को एक नए प्रकार का भरोसा इसमें कायम हुआ है। आवश्यकता पड़ी तो आगे और भी इसके विस्तार के बारे में हम सब विचार करेंगे। और मुझे लगता है कि एक सूचना मुझे देना आवश्यक लग रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज कहां कहां बनाए जाए कुछ जनपद चयनित किए, उसमें गाजीपुर से भी जमीन का प्रस्ताव मांगा गया था। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी ने वो प्रस्ताव भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 नए मेडिकल कॉलेज जो तय किए हैं, उसमें गाजीपुर है और वो भारत सरकार के पास पत्रावली पहुंच गई है। मुझे लगता है जल्द ही स्वास्थ्य मंत्रालय उसकी स्वीकृति देगा। कोई भी संस्थान, प्याज उत्थान फाउंडेशन जो जिसको बने हुए अस्तित्व में आए हुए 2 वर्ष हो गया, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए फाउंडेशन बना था, सेवा प्रकल्प चलाना, कौशल प्रशिक्षण देना और देश भर में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उन प्रयोगों की कर्मशाला बनाना या प्रयोगशाला बनाना, उसकी आधारशिला आज यहाँ रखी गई। मोटे तौर पर जो अनुमान है
5 करोड़ रुपए की लागत से यह परिसर बनकर के तैयार होगा, जिसमें अभी 2 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया है। आने वाले दिनों में शेष इंतजाम भी मुझे लगता हो ही जाएगा। दुनिया की जो सबसे टेक्नोलॉजी की मानिंद कंपनी है एरिक्सन, वो इसी परिसर में अपना एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएगी। और भी देश और दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित तकनीक की कंपनियां यहाँ प्रशिक्षण। ऐसे में अब वह दिन दूर नहीं जब गाजीपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही गरीब व असहाय और बनवासी समाज के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। एमएमसी न्यूज के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।